जय हिंद साथियों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी ट्रेड्समैन एंड आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड इसके साथ में आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो मेरे दोस्त, इसका रिजल्ट कब तक आएगा? आप सभी के लिए काफ़ी फ्रेंड्स डाउट होगा कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का रिजल्ट, हेड कांस्टेबल का, टेलीकम्युनिकेशन का और एनिमल ट्रांसपोर्ट का रिजल्ट जो है कब तक आएगा। तो आज की वीडियो में आप सभी को हम पूरी जानकारी देने वाला है। इसके साथ में ये भी बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि आप सभी का रिजल्ट आने के जस्ट बाद आप सभी को ट्रेड टेस्ट जो है फ्रेंड्स कब होगा, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स जो है कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में ही बाहर होते हैं और जो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को इस समय क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का जो है और इसके बाद एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, एनिमल ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक और जो है एनिमल ट्रांसपोर्ट के बाद टेली कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आप सभी को रिजल्ट के यदि हम बता दें तो रिजल्ट आप सभी को अक्टूबर मंथ में नहीं आएगा, ठीक है। पूरे चांस है यहाँ पे आप सभी को रिजल्ट आने का तो नवंबर में, ठीक है, नवंबर के फ्रेंड्स जो है एंड वीक में यानी कि लास्ट सप्ताह में आप सभी को आईटीबीपी ट्रेड्समैन का जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बट आप सभी को फ्रेंड्स अभी ध्यान रखना है, जो भी भाई लोगों का नंबर जो है अच्छा खासा आ रहा होगा और वो लोग खुद अपना एनालिसिस कर लिए होंगे कि कितना हम सही करके आए हुए हैं, ठीक है, तो अपने एनालिसिस के अनुसार लोगों का तो पता ही होगा। तो अपना ट्रेड टेस्ट का जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिस भी ट्रेड से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें आप लोग नॉलेज लेना अपना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। यदि आप जो है कुक से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो कुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप सभी को क्लियर करके ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को कटअप ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि ट्रेड्समैन में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ट्रेड्समैन में काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है फ्रेंड्स काफ़ी जो है पोस्ट के यहाँ पे 5 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे वो लोग बुलाते हैं, ठीक है, यानी कि आप सभी को जो है फ्रेंड्स ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि काफ़ी बच्चे वहाँ पे जो है बाहर होते हैं और आप सभी को ट्रेड टेस्ट में भी मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रेड टेस्ट में मार्क्स जो अर्जित करेंगे उसी के अनुसार आप सभी को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। यदि कम मार्क्स आता है तो आप लोग फाइनली वहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो जो भी मेरे भाई ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और उन सभी का एग्जाम हो गया है, यदि आपका नंबर जो है लग रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फाइनली आप लोग जो है ट्रेड टेस्ट का तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बातें कर रहे हैं एचसीएम के बारे में। तो जो भी भाई लोग एचसीएम का एग्ज़ाम जो है दे दिए हैं और उन लोगों का लग रहा है कि मेरा जो है लिस्ट में नाम आ सकता है तो फाइनली आप लोग यहाँ पर टाइपिंग मेरे दोस्त स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंग्लिश से टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट यानी कि 35 WPM, ठीक है, 35 WPM आप सभी को जो है स्पीड जो है मारना होगा, ठीक है। WPM का होता है 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे 10 मिनट का जो है टाइपिंग करवाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, 10 मिनट का आप सभी को टाइपिंग होगा यानी कि 350 वर्ड यहाँ पे आप सभी को जो है टाइप करना होगा इंग्लिश वाले कैंडिडेट। यदि आप हिंदी चूज किए होंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आप सभी को यहाँ पर स्पीड जो है मांगा जाता है और 10 मिनट के यहाँ पर टाइपिंग करवाया जाता है। अब यहाँ पे आप सभी को गलती इसमें कितना माफ़ किया जाता है, बैक स्पेस इसमें अलाउ है या नहीं है, इसकी जानकारी है फ्रेंड्स। यदि आप लोग कहेंगे तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता देंगे, टाइपिंग पे स्पेशल वीडियो ला देंगे कि आप सभी को बैक स्पेस इसमें अलाउ होता है या नहीं होता है, गलतियाँ कितना माफ़ होता है, यदि गलती से अधिक हम जो है फ्रेंड्स यहाँ पर गलती करते हैं तो क्या इसमें जो है कटता है सही में से या नहीं, तो इसके लिए हम वीडियो एक अलग से ला देंगे यदि आप सभी फ्रेंड्स कहते हैं तो, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ट्रेड्समैन का हो गया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो गया कि आप लोग अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में बाहर होते हैं। तो यदि आप जो है फ्रेंड्स न्यू है तो कैंडिडेट आप सभी को बहुत ही जल्द टाइपिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, और जो काफ़ी पुराने हो गए हैं टाइपिंग वो कर चुके हैं तो वो लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को टाइम नहीं मिलने वाला है टाइपिंग का, ठीक है, यानी कि आपका रिजल्ट के 10 से 15 दिन के अंदर में आप सभी को टाइपिंग भी यहाँ पर ले लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स एनिमल ट्रांसपोर्ट का। तो आप लोगों का रिजल्ट आने के फ्रेंड्स 20 से 25 दिन के अंदर में आप सभी को यहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाएगा, तो फाइनली आप लोग अपना मेडिकल पे भी ध्यान दीजिए। यदि आप सभी को लग रहा है कि मेरा रिजल्ट हो रहा है तो फाइनली आप लोग अपना दाँत वगैरह कान वगैरह जो है अपना साफ करवा लीजिए, ठीक है, आप सभी को बहुत ही जल्द भी जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा आप सभी को मेडिकल में ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त, आप सभी को रिजल्ट फाइनली यदि हम बता दें तो नवंबर के लास्ट वीक में आप सभी को बहुत ही जल्द आने वाला है। यदि जिनके पास डॉक्यूमेंट जो है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट कोई चीज़ें मतलब प्रॉब्लम है जैसे कि पिता के नाम या फादर्स नेम या आधार वगैरह कार्ड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अपना
सही करवा लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप सभी को फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें आप सभी को टाइम नहीं मिलता है, फाइनली आप सभी को वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी मिसमैच है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें आप सभी को लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, जो भी चीज़ें नहीं, आप लोग फाइनली बनवा करके रेडी रहिए, जिन लोगों को लगता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।